नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। दोस्तों, अगर आप ऋतिक रोशन के प्रशंसक हैं और क्रिस पॉल के बारे में जानना चाहते हैं, क्योंकि क्रिस पॉल सबसे बड़ी फ्रेंचाइजी है आप जानते हैं, और बहुत ज़्यादा इंतजार इस फिल्म का किया जा रहा है। 2013 में आई थी इसका जो पिछला पार्ट है, वो तो करीब एक दशक हो गया है फिल्म को आए हुए। तो अब जो लेटेस्ट खबर आ रही है, पहले बीच में खबर आई थी कि राकेश रोशन ने कहा था कि ये फिल्म 2024 के अंत तक शुरू हो पाएगी, पहले नहीं हो पाएगी। लेकिन अब एक अच्छी खबर ये है दोस्तों कि इस फिल्म के डायरेक्टर को तय कर दिया गया है, लगभग फाइनल है कि अग्निपथ, जिसमें ऋतिक रोशन संजय दत्त प्रमुख भूमिका में थे, अमिताभ बच्चन की सुपरहिट फिल्म अग्निपथ का एक रीमेक बनाया गया था, एक दोबारा बनाई गई थी वो फिल्म, विजय दीनानाथ चौहान का रोल किया था। तो उस फिल्म के जो डायरेक्टर थे करण मल्होत्रा, वो अब इस क्रिस पॉल को डायरेक्ट करेंगे। इतना ही नहीं दोस्तों, आपको ये भी जानकारी दे दूँ कि जो सिद्धार्थ आनंद है पठान फिल्म के डायरेक्टर, वो फिल्म को प्रोड्यूस करने वाले हैं, और ऋतिक रोशन इस फिल्म की शूटिंग अगले वर्ष शुरू कर देंगे क्रिस पॉल की, क्योंकि पहले वो वार्ड 2 को फिनिश करेंगे। वार्ड 2 की शूटिंग इसी वर्ष के अंत में शुरू हो जाएगी, और वार्ड 2 की शूटिंग फिनिश करने के बाद में जुलाई 2024 तक ऋतिक रोशन इस फिल्म की शूटिंग शुरू कर देंगे क्रिस पॉल की, और 2025 में फिल्म को रिलीज करने की तैयारी की जा रही है। तो बहुत बड़ी खबर रही है ऋतिक रोशन के प्रशंसकों के लिए। अब बाकी फिल्म की स्टारकास्ट क्या होगी, लीडिंग लेडी कौन होगी, एक्ट्रेस कौन होगी, बाकी और हीरोज कौन होंगे, उसके बारे में अभी जानकारी सामने नहीं आई है। लेकिन जो भी अपडेट मेरे सामने थे, वो मैंने आपको तुरंत जानकारी अपने चैनल पर दी है, और ऐसे ही और अपडेट्स के लिए आप कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक तथा शेयर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, टेक केयर, जय श्री राम, जय भोलेनाथ।